भारतीय सिनेमा का सबसे पहला गाना। मेरे यूट्यूब दोस्तों, किसी भी फिल्म के हिट होने में, बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में उस फिल्म के गाने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए। कई बार तो केवल गानों की वजह से ही फिल्म हिट हो जाती है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। कई फिल्में तो ऐसी भी हैं जिन्हें उनके गानों के लिए याद रखा जाता है। ओ दुनिया के रखवाले, या फिर ये गाना, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, या फिर ये गाना, आज मेरे यार की शादी है, या फिर ये गाना, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, या फिर ये गाना, दोस्तों आज तो आलम यह है कि किसी फिल्म के रिलीज के काफी पहले ही फिल्म के गाने सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिए जा रहे हैं और गाने हिट होकर फिल्म को भी हिट बनाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों गानों की इस भीड़ में क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन सिनेमा का सबसे पहला गाना कौन सा है, किस फिल्म का है, उस गाने को गाने वाला इंडियन सिनेमा का पहला सिंगर कौन है? दोस्तों ये सब जानने से पहले इंडियन सिनेमा से जुड़ी अनसुनी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे दोस्तों ये तो आप सभी जानते ही हैं कि आज से 100 साल पहले साल 1913 में भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, लेकिन यह फिल्म मूक फिल्म थी, यानी साइलेंट फिल्म थी। इस फिल्म में कोई आवाज नहीं थी। दोस्तों 1913 से लेकर 1930 तक भारत में जितनी भी फिल्में बनी वे सभी साइलेंट फिल्में थीं। लेकिन आज से 92 साल पहले 1931 के जनवरी माह में मुंबई के इंपीरियल मूवी टोन नाम की फिल्म कंपनी के संस्थापक, फिल्म निर्माता और निर्देशक खान बहादुर आर्देशिर ईरानी ने भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने का फैसला किया। ईरानी ने यह फैसला बोलती अंग्रेजी फिल्म शो बोट को देखकर किया था। उन्होंने जोसेफ डेविड द्वारा लिखित एक पारसी नाटक की कहानी के आधार पर अपनी फिल्म की कहानी जोसेफ डेविड और मुंशी जहीर से लिखवाई। यह कहानी एक राजकुमार और एक बंजारन लड़की की प्रेम कहानी थी। कहानी फाइनल होने पर ईरानी ने फिल्म का नाम रखा आलम आरा। इस फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में मास्टर बिट्ठल, जुबेदा, पृथ्वीराज कपूर, जिल्लो बाई, सुशीला, एलिजर, जगदीश सेट्ठी को लिया गया। फिल्म के डायरेक्टर आर्देशिर ईरानी ने अपनी इस फिल्म आलम आरा की कहानी को गानों के जरिए आगे बढ़ाने की सोची और इस फिल्म के लिए कुल 7 गाने लिखे गए। ईरानी ने फिल्म के डायलॉग से ज्यादा फिल्म के गानों को महत्व दिया। ईरानी चाहते थे कि किसी को भी इस बात की खबर न लगे कि वे भारत की पहली बोलती फिल्म बना रहे हैं, इसलिए चुपचाप तरीके से फिल्म आलम आरा की शूटिंग मुंबई के ग्रांट रोड पर रेलवे लाइन के पास बने ज्योति स्टूडियो में शुरू की। दोस्तों दिन के समय रेलवे लाइन पर कुछ देर के बाद लोकल ट्रेन गुजरती थी, जिससे स्टूडियो के कुछ हिस्से हिलने लगते थे। उन दिनों साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं थे,
इसलिए शोर शराबा भी काफी होता रहता था। इन सब से बचने के लिए फिल्म आलम आरा की ज्यादातर शूटिंग रात को 1 बजे से 4 बजे के बीच की जाने लगी। शूटिंग के समय तस्वीरों के साथ साथ अभिनेताओं की आवाज को भी रिकॉर्ड करने के लिए कैमरामैन आदि एम ईरानी ने कैमरे के साथ टॉनर साउंड सिस्टम को जोड़ा। इस उपकरण के कारण कैमरा साउंड को सीधे फिल्म की रील में रिकॉर्ड करने लगा। साउंड को रिकॉर्ड करने का जिम्मा खुद फिल्म के डायरेक्टर आर्देशिर ईरानी ने लिया और इस काम में उनकी सहायता रुस्तम भरूचा ने की। शूटिंग के समय अभिनेताओं की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए उनके आसपास ही माइक्रोफोन को छिपाकर रख दिया जाता था। दोस्तों, आर्देशिर ईरानी को अपनी इस फिल्म आलम आरा में एक बूढ़े फकीर का किरदार अदा करने के लिए एक आदमी की जरूरत थी जो अच्छा गाना भी गा सके। इसलिए ज्योति स्टूडियो में शूटिंग के साथ साथ फकीर के रोल के लिए ऑडिशन भी चल रहा था। कई गायक आए थे। इसी समय कई साइलेंट फिल्मों में काम कर चुके स्टेज एक्टर वजीर मोहम्मद खान किसी काम के सिलसिले में वहां आए। फिल्म डायरेक्टर ईरानी ने वजीर मोहम्मद खान को भी माइक पकड़ा दिया और गाना गाने को कहा। वजीर खान ने पश्तो भाषा में एक गीत गाया। ईरानी को उनकी आवाज भा गई और बूढ़े फकीर के रोल के लिए उनका सिलेक्शन हो गया। 29 साल के जवान वजीर मोहम्मद खान ने बूढ़े फकीर का गेटअप लिया और कैमरे के सामने फिल्म आलम आरा का पहला गीत दे दे खुदा के नाम पर प्यारे गाया। यह एक प्रार्थना गीत था। दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, ताकत है गर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की। दोस्तों, इस समय पार्श्व गायन यानी प्लेबैक सिंगिंग की सुविधा नहीं थी, इसलिए वजीर मोहम्मद खान ने शूटिंग के समय गाने को खुद अपनी आवाज में लाइव गाया। उनकी आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन को उनके पास में ही छुपाकर रख दिया गया। इस गाने को संगीत देने का जिम्मा फिरोज शाह मिस्त्री और बहराम ईरानी ने उठाया और उन्होंने कैमरे की नजर से बचाकर हारमोनियम और तबला बजाने वालों को बैठा दिया। टॉनर सिंगल सिस्टम कैमरे में वजीर मोहम्मद खान की तस्वीरों के साथ ही उनके द्वारा लाइव गाया गया गीत दे दे खुदा के नाम पर प्यारे सफलतापूर्वक रिकॉर्ड हो गया और इस तरह फिल्म आलम आरा का पहला गीत दे दे खुदा के नाम पर प्यारे भारतीय सिनेमा का पहला गीत बना और इस गीत को अपनी आवाज में लाइव गाने वाले अभिनेता वजीर मोहम्मद खान भारतीय सिनेमा के पहले गायक बने। दोस्तों, आपको बताते चलें कि वजीर मोहम्मद खान भारतीय सिनेमा के पहले गायक थे, लेकिन ये भारतीय सिनेमा के पहले पार्श्व गायक यानी प्लेबैक सिंगर नहीं थे। फिल्म आलम आरा के बाकी 6 गाने अभिनेत्री जुबेदा ने अपनी आवाज में गाए थे। दोस्तों, उस जमाने में 40,000 रुपए में 3 महीने में बनकर तैयार हुई भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का पहला शो शनिवार 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में दोपहर 3 बजे शुरू हुआ। इस फिल्म के पोस्टर पर लिखा था ऑल टॉकिंग सिंगिंग एंड डांसिंग फिल्म। दोस्तों, यह दुर्भाग्य की बात है कि 1931 में बनी भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रिंट नष्ट हो गया है। इस फिल्म का कोई भी प्रिंट आज उपलब्ध नहीं है। इस फिल्म के सीन के कुछ स्टील फोटोज आज उपलब्ध हैं, जिन्हें देखकर भारत की पहली बोलती फिल्म की भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है।
वीडियो के अंत में आपको बताते चलें कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा की कहानी में थोड़ा बहुत बदलाव करके 1956 और 1973 में आलम आरा के नाम से दो फिल्में बनी। मजे की बात यह है कि इन दोनों फिल्मों में वजीर मोहम्मद खान ने ही बूढ़े फकीर की भूमिका अदा की और अपनी आवाज में अपना वह गीत गाया, दे दे खुदा के नाम पर। दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अल्लाह तेरा भला करे।